Okay, so today is online classes week two. So we're going to start our lecture today. So आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे, that is binary codes. Binary codes की conversion हमने देखनी है. Binary codes हम already देख चुके हैं, जिसमें आपको याद होगा binary coded decimals, BCDs, then access 3. 84 minus 2 minus 1 24 21 and biquinary, इसको हमने डिटेल से क्लास में डिस्कस किया था. तो आज हम क्या करना चाह रहे हैं, आज हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ऐसी कोई सर्किट डायग्राम, लॉजिक डायग्राम बनाना चाहते हैं जिससे हम इनपुट में बीसीडी दें तो आउटपुट में हमें एक्सेस 3 मिले. जैसे मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा कोई कन्वर्टर बनाए जिसकी इनपुट पे तो हम बीसीडी अप्लाई करें, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और आउटपुट पे हमें मिले एक्सेस 3. सो यानी मिसाल के तौर पे जब हम 0000 अप्लाई करें इनपुट के ऊपर रखें तो हमें आउटपुट में मिले 0011. सिमिलरली 0001 अप्लाई करें तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 0100 एंड सो ऑन. तो इसी तरीके से 1001 अप्लाई करें जब इनपुट के ऊपर तो हमें आउटपुट में मिले 1100. तो इसके लिए हमें आज लॉजिक डायग्राम बनानी है. तो देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा. तो सबसे पहले तो हमारी इनपुट क्या होगी, बीसीडी होगी, एंड आउटपुट क्या होगी, हमारे पास एक्स 3 कोड हमारा आउटपुट होगा. तो चार वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी इनपुट के लिए, और इसी तरह आउटपुट वेरिएबल्स भी ले लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी. तो ये आपका सेम वही बीसीडी है 0 से लेकर 9 तक, 0000 0001 0001 0100 0100 0101 0100 and 1001. Similarly, इसके opposite, इसके opposite corner पे हम देख सकते हैं कि 0000 के against जो access 3 का code होता है वो होता है 0011. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये प्रीवियस टेबल में देखा था. इसी तरह 0001 इज इक्वल टू 0100, वही लास्ट टेबल की तरह. तो इस तरीके से हम ये अपना टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. टेबल टू टेबल कंप्लीट जब हो जाता है तो अभी अगर हम गौर करें तो हमारे पास बाइनरी के अंदर, चार बिट के अंदर 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं, जबकि बीसीडी के अंदर हमारे पास 0 to 9 सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन है. तो बाकी 6 कॉम्बिनेशंस का क्या करेंगे. मिसाल के तौर पर हमारे 0 से लेकर 9 तक तमाम वैल्यूज के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. यहाँ पे आउटपुट कौन कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, 1010 पे नहीं कर रही, एंड सो ऑन, किसी पे भी नहीं कर रही, 1011 पे भी नहीं कर रही, 1100 पे भी नहीं कर रही, 1110 पे भी नहीं कर रही, एंड 1111 तक जितनी भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उन पे हमारे पास आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करती, होनी ही नहीं चाहिए. तो जब आउटपुट डिजिटल लॉजिक डिजाइन में आउटपुट दो तरह की हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और अगर किसी जगह पर कोई आउटपुट डिफाइन नहीं होती तो वहां पे हम क्या एड ऑन कर देते हैं या क्या लगा देते हैं. 1010 पे आउटपुट डिफाइन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कौन बताएगा. डोंट केयर. जी हम डोंट केयर ऐड कर सकते हैं, तो हम डोंट केयर ही ऐड करेंगे यहाँ पर, डोंट केयर आ जाएगा ऐसे. इसी तरीके से वो तमाम वैल्यूज 0010 से लेके 1111 तक तमाम के अंदर यहाँ पर डोंट केयर आ जाएंगे, तमाम डोंट केयर होंगे, तमाम डोंट केयर होंगे नीचे तक. ठीक
ठीक हो गया। अब हमारे पास ये चार फंक्शन बन गए, एक फंक्शन का नाम w है, एक फंक्शन का नाम x है, एक फंक्शन का नाम y है और एक फंक्शन का नाम z है। तो हमारे पास अब ये चार फंक्शन है, अब हम इन चार फंक्शंस को मिनिमाइज कर लेंगे बाय यूजिंग के मैप। के मैप, के मैप यूज करके हम इन चार फंक्शंस को मिनिमाइज कर लेंगे। तो चलें, अभी आपने w वाले फंक्शन के लिए मिनिमाइज करके मुझे रिजल्ट बताना है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं। w फंक्शन के लिए के मैप से मिनिमाइज करके जो बूलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज आती है वो आपने बतानी है। इसके लिए ऑब्वियसली वी रिक्वायर फोर बाय फोर वेरिएबल के मैप। फोर वेरिएबल के मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। जीरो जीरो वन 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 जीरो होगा, जीरो 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 वन 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 जीरो। ओके, तो यहाँ देखते हैं हमारे पास किस टर्म पे 1 है। 1 0 1 5 6 7 8 और 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 हो गया। तो ये हमारे पास 1 आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 और 9 ठीक हो गया। तो यहीं तक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, डॉट केयर है। तो मैं डॉट केयर को कलर चेंज कर देते हैं डॉट केयर का। ओके, सो यहाँ पे डॉट केयर आ जाएगा, यहाँ डॉट केयर आ जाएगा, यहाँ डोंट केयर आ जाएगा, यहाँ डोंट केयर आ जाएगा, यहाँ डोंट केयर आ जाएगा, यहाँ भी। तो ये सारे डोंट केयर हो जाएंगे। कोई मिस्टेक हो तो बता सकते हैं। अब इसकी मैपिंग करनी है हमें, मैपिंग करते हैं। मैपिंग के लिए एक तो हम 8 का बना सकते हैं, 8 का ग्रुप कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये 4 का कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और हम एक ये 4, राइट। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। किसी से सॉल्व हुआ है किसी से अभी तक? ओके, तो इस बड़ी वाली लूप से आ जाएगा हमारे पास ए प्लस, इसके अंदर से आएगा बी एंड डी। A plus B D plus A D. यहाँ से इस लूप के अंदर B आएगा एंड C आएगा।
okay. So A plus BD plus BC. So ये हमारे पास A is equal to BC plus BD W के लिए. बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने W के लिए सॉल्व किया, इसी तरह से हम X के लिए सॉल्व करेंगे, फिर Y के लिए सॉल्व करेंगे और Z के लिए सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास ये चारों मिनिमाइज होके आ जाएंगे. ये W के लिए तो हमने कर लिया, इसी तरह अब आप X के लिए करेंगे, फिर Y के लिए करेंगे और फिर Z के लिए करेंगे. तो ये आपकी मिनिमाइजेशन बनेगी. और मिनिमाइजेशन करने के बाद हम क्या, अगला स्टेप क्या होता है, इसकी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. सर ये जो बाकी 0 0 थे सर, उस पे हमने डॉन्ट केयर बनाया. नहीं 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 नहीं, ये देखो, जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती वहां पे डोंट केयर आता है, राइट? यस सर. तो यहाँ पर आप देख लें कि 0 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, क्या होती है, 0 0 1 1 होती है एक्सेस 3 के अंदर. यस सर, ये रही. इसी तरीके से 0 से लेके 9 तक बी सी डी डिफाइन होता है, इससे आगे डिफाइन ही नहीं होता ना. 0 से 9 तक होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल जो हुआ. यस सर. डेसिमल में 0 से 9 डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि 1 0, अब के मैप के हिसाब से तो हमारे पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 16 टर्म्स होनी चाहिए ना 4 बिट की. यस सर. तो अगर 16 बिट टर्म्स होनी चाहिए तो 9 के बाद 10 यानी 1 0 1 0 के ऊपर आउटपुट क्या होनी चाहिए, एक्सेस 3 डिफाइन ही नहीं है वहां पे. तो वहां पे yes. होगा डोंट केयर, वो हमने डोंट केयर लगा दिए जी. अच्छा, 10 पे डोंट केयर है तो 11 पे क्या होगा, 1 0 1 1 पे क्या होगा एक्सेस 3 डोंट होगा. हाँ जी, तो 1 1 0 0 पे क्या होगा एक्सेस 3, वो भी डोंट केयर होगा. ठीक है, 13 पे क्या होगा तो भी डोंट केयर होगा, 14 पे भी डोंट केयर होगा, 15 पे भी डोंट केयर होगा. तो ये सब के अंदर 10 11 12 13 14 15 तक सारे डोंट केयर ही आएंगे. आप चाहे किसी में देख लें, ये 10 है, 11 12 13 14 15 डोंट केयर है. इसमें भी देख लें यहीं पे होंगे 10 11 12 13 14 एंड 15. इसी तरह इधर देख लें 10 11 12 13 14 एंड 15, इसमें भी डोंट केयर है 10 10 11 12 13 14 एंड 15. तो सब में ये डोंट केयर आते हैं. क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है. तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती वहां पे हम क्या लगा देते हैं, डोंट केयर लगा देते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी. अब क्लियर हो गया भाई? यस सर, क्लियर हो गया. ओके, आगे मूव करें. नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग अ लॉजिक डायग्राम फॉर ऑल दीज बुलियन एक्सप्रेशन जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुई है. तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एक्सट्रैक्ट हो गया, W की, W एक फंक्शन है जिसकी टर्म ये आ गई हमारे पास, बुलियन एक्सप्रेशन आ गई, X की आ गई, Y की आ गई और Z की आ गई. ठीक, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू A प्लस बी सी प्लस बी डी, वाई इज इक्वल टू सी डी प्लस सी डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, जी इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट और एक्स इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारे पास टर्म्स निकल आती है. ठीक है, और इन टर्म्स को के बाद मिनिमाइज करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हमने इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी होती है. तो दिस इज लॉजिक डायग्राम वेयर आप देख सकते हैं कि इनपुट हमारे पास क्या है, ए बी सी और डी है,
और आउटपुट हमारे पास क्या है, W है, X है, Y है और Z है, ठीक। तो ये लॉजिक डायग्राम ये करती क्या है, बी सी डी एज एन इनपुट लेती है और एक्सेस थ्री जो है उसमें कोड उसमें कन्वर्ट कर देती है, यानी इनपुट आप बी सी डी करेंगे तो आपको आउटपुट में एक्सेस थ्री कोड मिलेगा। तो दिस इज नोन एज बी सी डी टू एक्सेस थ्री कोड कन्वर्टर। सो ये कोड कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यू कैन कन्वर्ट बी सी डी टू एक्सेस थ्री, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। सर एक बार डायग्राम दोबारा से बता दें सर, ये डायग्राम कैसे बनी है, कहां से आई है ये डायग्राम? सर ये जो पीछे हमने कन्वर्जन किया सर उस, हाँ जी, z इज इक्वल टू d कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो z z d को पकड़ा, उसको कॉम्प्लीमेंट किया तो z कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक। y क्या है, y है c c d प्लस c c प्लस d होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसने c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, आप इसकी भी बना सकते हैं कोई इशू नहीं है। और अगर आप चाहें तो ये क्योंकि C प्लस D बार बार यूज हो रहा था तो इसने इसको इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो इसको दोबारा बार बार एक ही आउटपुट को यूज कर ले। तो डजंट मैटर, आप चाहें तो उसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, यानी सी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इसकी लॉजिक डायग्राम बनाए, ये वाई बन जाएगी, फिर x इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इसकी लॉजिक डायग्राम बनाए। और w इज इक्वल टू ए प्लस बी बी सी प्लस बी डी, तो आप इसकी लॉजिक डायग्राम बनाए। तो इन सारों को यू कोशिश ये करनी है आपने कि इसको सेम इनपुट से डिराइव करना है ताकि एक ही जगह पर इनपुट को अप्लाई करना पड़े, बार बार इनपुट्स को हर किसी के लिए अलग अलग यूज ना करना पड़े, बिकॉज वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन सर्किट्स, तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स में इनपुट तो मोर देन वन होती ही है, आउटपुट भी मोर देन वन होती है। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जी, सर इसमें हम आउटपुट वालों को मतलब उससे टर्म्स को लेके क्यों सिंपलीफाई कर रहे हैं, मतलब हमने आगे तो के में आपसे किया सर, हम ये इनपुट बीसीडी वाली टर्म्स को भी तो कर सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन पूछें, क्या कह रहे हैं सर? ये इनपुट जो बीसीडी वाले हैं यानी ए बी सी डी इनपुट्स हैं, इसको भी तो के मैप के जरिए करके हम बना सकते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह। सर हमने ये डब्ल्यू एक्स वाई जी को क्यों लिया, वो तो आउटपुट है। अच्छा ये ट्रू टेबल नजर आ रहा है आपको? यस सर आ रहा है। ट्रू टेबल के अंदर इनपुट कौन कौन से हैं? सर ए बी सी डी, ए बी सी डी हैं, आउटपुट कौन कौन से हैं? W, X, Y, Z. अच्छा अगर मैं इसको F, W, F, X, F, Y और F, Z कर लूं तो कोई इतराज है? No, sir. अब कोई इतराज है? अब वेरिएबल से कंफ्यूज मत हो कि वेरिएबल W, X, Y, Z ले लिया तो ये तो इनपुट होनी चाहिए थी तो ये आउटपुट कैसे बन गई, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इधर ए बी सी डी ले लें, पी क्यू आर ले लें, एक्स वाई सी ले लें, एफ डब्ल्यू एफ एक्स लिख लें, एफ वाई लिख लें या कुछ भी लिख लें, ठीक है। अब इसी तरह जी के साथ मैं एफ ऑफ जी लिख देता हूँ, इसी तरह वाई के साथ मैं एफ ऑफ वाई लिख देता हूँ, एक्स के साथ मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ और डब्ल्यू के साथ मैं एफ ऑफ
W के साथ मैं F of W लिख देता हूँ। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा इसी तरह यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, F of Z हो जाएगा, F of Y हो जाएगा, F of X हो जाएगा और F of W हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली एफ ऑफ जी हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक हो गया? अब क्लियर है? यस सर। चलो एनी अदर क्वेश्चन?